अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सैयदनगर के रहने वाले शाकिर बिन सालम, जो एक पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, ये एक सवारी छोड़े थे बंजर हिल रोड नंबर 10 से चननगुट्टे को, और वो जो सवारी थी वो इसी ऑटो में सोना, सेलफोन और 2000 रुपये भूल गए थे। इसके बाद ये ऑटो ड्राइवर दूसरे को काम करते हुए घर पर आ गए थे। इसके बाद इनको ये सामान मिला, फौरन इतला दी और इतला देकर इन तक ये सामान पहुंचाया। नाज़रीन, हम वाज़े कर दें कि अब ईमानदारी भारी पड़ती जा रही है। जिस तरह से मोहम्मद जावेद भी इसी तरह से एक काम को अंजाम दिए थे हुमायूं नगर लिमिट्स में, वो सामान वापस किए लेकिन उन पर इल्ज़ाम लगा 4 लाख रुपये का, और वो झूठा केस था, झूठी इतला थी जिस पर पुलिस ने 8 डिग्री दी और मोहम्मद जावेद फिलहाल दवाखाने में जेर इलाज है। कोई पुरसाने हाल नहीं, ना ही तो पुलिस पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही तो उनके इलाज के लिए कुछ बंदोबस्त हुआ। लेकिन करेंगे भी क्या, कोर्ट अदालत केस चाहती है, और जो मोहम्मद जावेद के जो रिश्तेदार है, जो ख़ानदान है, जो बच्चे हैं, अगर वो एक कंप्लेन करेंगे तो यकीनन ऐसे पुलिस वालों की नौकरी जाएगी। लेकिन पुलिस वाले ये समझ चुके हैं कि किसी को भी मारा जाए, किसी के साथ भी जुल्म किया जाए, बाद में उनको समझाया जाए और कुछ रुपये दे के खामोश बिठाया जाए, ये सब चलता रहेगा, या फिर पॉलिटिशियनों के ज़रिए ये मसले को हल किया जाएगा। पुलिस को अच्छी तरह समझ में आ गया है, बड़ी अफसोस की बात है आम आदमी नहीं समझ रहा है। इसी वाक़यात को देखते हुए शाकिर बिन सालम ने यह समझा कि पुलिस किस तरह की होती है, पुलिस का काम किस तरह का होता है। पूरे बेमान पुलिस वाले आ चुके हैं, इसलिए वो क्राइम टुडे पे भरोसा रखे हैं, और हमारे नुमाइंदे शेख शफीक को इतला दी और उनके सामने ये सामान वापस किया, उनको बुलाकर, और वो भी मुतमईन हुए कि भाई एक ऑटो ड्राइवर, एक ऑटो में हमने सामान भुला था, वो वापस दिए हैं। पुलिस के पास क्यों नहीं गए, इसलिए कि पुलिस के ऊपर से अब एतमाद उड़ता जा रहा है। पुलिस का जो काम है वो काम पर कई सवाल उठ रहे हैं, पुलिस सिर्फ रुपयों के लिए काम कर रही है, ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर पुलिस फौरन अपनी इमेज नहीं बदलेगी, अपने काम करने का तरीका नहीं बदलेगी, तो यकीन जानिए आने वाला वक्त और भयानक होगा। आम आदमी ही फैसले कर लेगा, पुलिस की फिर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। पुलिस की जिम्मेदारी है लैंड ऑर्डर मेंटेन करे, आम आदमी को भरोसा दिलाए कि उनके साथ पुलिस है, लेकिन आम आदमी का भरोसा इसलिए उड़ता जा रहा है कि उनके अतराफ पुलिस ही उनकी दुश्मन है, और पुलिस का ही जुल्म उन पर ज़्यादा होता जा रहा है। यही वजह है कि अब आम आदमी ऐसे कुछ चैनलों पर भरोसा रख रहा है जो लगातार हकायक की बात करते हैं और सवाल करते हैं। मीडिया का काम सवाल करना है, लेकिन अफसोस आज सवाल से भाग रहे हैं लोग, और ऐसे कुछ पुलिस वाले दलाल ब्रोकरों के चापलूसी करते बैठ रहे हैं। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ईमानदारी से शाकिर बिन सालम ने ये काम को अंजाम दिया, ऐसे ही अगर कोई लोग के पास सामान भूलते हैं तो वो भी ऐसे ही काम को अंजाम दें, क्योंकि ईमानदारों की कोई कमी नहीं है हमारे शहर हैदराबाद में। आए दिन हम देखते हैं कि किस तरह से सामान वापस करते हैं, लेकिन पुलिस को मौजूद रखकर सामान वापस किया करते थे, लेकिन जिस तरह से हुमायूं नगर का वाकया हुआ, इसके बाद से अब पुलिस पर कोई एतमाद बाकी नहीं रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि फौरन आम आदमी को भरोसा दिलाएं और अच्छा काम करके दिखाएं। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। पूरा मिल गया ना भाई आपका चीज? ठीक है, चलो। अच्छा, नियर नियर ₹2000 ये एक सोने था खान का, और ये ₹2000 था चाचा के। क्या क्या दिए चाचा अब इनको वापिस? क्या क्या दिए? सोने के फूल और वापिस दे रहा है मेरे झूठ बोलने वाले। संडे के दिन चाचा ने बैग दिया, सैटरडे को हमको घूम गया था चाचा के ऑटो में बैग, और चाचा ने संडे के 12 बजे बैग वापस दे दिया, और 12 के बजे इन लोगों ने खाली बैग
और मोबाइल और सलाह जीत के डब्बे खाली यही वापस दे दिया। और बोला चाचा ने बोला ये बैग चोरी हो गया, छपा चाचा ने बोला चोरी हो गया। और इसमें करीबन उसने बंदे ने ले लिया, जो बंदे बैग उठा रहे थे हमारे पीछे। अब हमने चाचा को फोन किया तो आप ऐसे आप ही ने उठाया होगा, चाचा आप वापस दे रहे हैं वो भी। बस अल्लाह चाचा को खुश रखे, बस लेकिन चाचा आपसे एक गुजारिश, अल्लाह खुश रखेगा हमको, रुला दिया चाचा। आपका पूरा आपका पूरा सामान मिल गया, पूरा सामान मिल गया, 5 दिन के बाद मिल गया। चाचा अगर गरीबों का खाओगे बस, आप लोग ऐसे करें ऐसे नहीं चलता है चाचा। बस आपको जो देना है आप वो भी दे दो, और आप भी अपने रास्ते हम भी अपने रास्ते। जरा खोलो ये चाचा ने किया, केस भी था 2000 रुपये, ये बात किया अभी चाचा। मैं हैदराबाद शहर फतलान साहब सैयद नगर में रहता हूँ। मैं ऑटो चलाता हूँ, पैसेंजर को बिठाया था रोड नंबर 10 बंजारा हिल से। वो लोग कश्मीरी थे, वो लोग ओल्ड सिटी चंद्रानकुटा छतरी नाका बोलकर बैठे, वो लोग को ले आकर छोड़ा था मैं। वो लोग बैग भूल गए, वो बैग में एक फ़ोन था, मोबाइल बहुत बड़ा, और सोने के कुछ फूल थे, और 2000 रुपये रकम थी। वो लोग फ़ोन करे तो मैं उठाकर बात करके उनको बुलाया, बुलाकर उनके चीज़ उनके हैंडओवर कर दिया, फ़ोन भी दे दिया, सोने के फूल भी दे दिया, और 2000 रकम भी दे दिया। वो लोग मेरा शुक्रिया अदा करके गले लगाए, बहुत बहुत शुक्रिया बोले। मेरे को हराम चीज़ नहीं होना भाई, मैं मेहनत करके खाने वाला, मैं मेहनत करके ही खाऊँगा इंशाल्लाह ताला। और हमारे भाई ऑटो वाले ऐसा नहीं है हैदराबाद शहर में किसी की चीज़ खा लिए डुबा दिए नहीं देने की सूरत नहीं है हमारे पास। ईमानदारी चलते हैं, हम भी ईमानदारी चलेंगे इंशाल्लाह। और जो पैसेंजर थे, मेरी रिक्वेस्ट है जो बैठे सामान कुछ भूल गए तो अपनी चीज़ देख कर लेके जाए, और अच्छा हुआ मैं देखा, बोलकर नहीं देखता तो दूसरा उठा लेता तो मैं परेशान हो जाता था। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं देखा बोलकर उठा के रखा, फ़ोन आया तो बात करके बुलाया, बुला के दिया उनको, बहुत बहुत शुक्रिया। क्राइम टू कूटे न्यूज़ में मैं ये बयान दिया, इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, और न्यूज़ हेलो बोल के बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ तक हो सके आप ये न्यूज़ पूरे हैदराबाद शहर इंडिया में फैला दो कि ऑटो वाले ऐसे नहीं रहते, बुला के देने वाले रहते। पहले तो मालूम होना उनको ये चीज़ यहाँ है बोल के, नहीं है तो लोग कुछ नहीं कर सकते, मजबूर रहते वो लोग, तो दूसरा उठा के चले जाता, वो परेशान हो जाते ऑटो वाले, वो जुल्म हो जाता है ऑटो वालों पे। ऐसा मत होने दीजिए, अपनी चीज़ अपन उठा कर लेके जाइए। आप चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, प्रेस वाले भाई का हमारे, जो मेरे से न्यूज़ दिए और न्यूज़ चैनल पूरा फैलाए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और ICU। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक जैसे शोबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 A ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पलगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।